सभी जानते हैं होम क्वारंटाइन का पीरियड आजकल सभी एंजॉय कर रहे हैं। जो वाइफ्स होती थी उनको एक शिकायत रहती थी कि हमारे हस्बैंड्स हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आप सभी जानते हैं कि सब हस्बैंड्स आजकल 24 आवर्स अपनी वाइफ्स के साथ हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चे कहते थे कि हमें ट्यूशंस में स्कूल में हम इतने बोर्ड हो चुके हैं कि हमें घर में बैठने का टाइम नहीं मिलता। अब बच्चे घरों में बैठ के खूब मस्ती कर रहे हैं और जो हमारे बिजनेसमैन होते थे वो भी कहते थे कि हम 24 आवर्स अपने बिजनेस की टेंशंस में घिरे रहते हैं, पर आजकल उन्हें भी पूरा टाइम मिल रहा है घर में रहकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, एंजॉय करने का। और जो एजिड पर्सन होते थे वो भी कहते थे हमारे बच्चे हमारे साथ हमारे पोता पोती हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो अब उनको भी मौका मिल चुका है। लेकिन हम सभी जानते हैं इसका रीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। COVID-19 जैसी डेडली डिसीज ने हमारे पूरे देश को पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है, सभी को लॉकडाउन होके रहना पड़ रहा है और अब ये लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड भी हो चुका है। लेकिन आज हम आपको एक फैमिली से, ब्यूटीफुल फैमिली से मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस क्वारंटाइन पीरियड को वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। सवाल। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम, हम आपको देख रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप कैरम खेल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप हमें बताइए कि कैरम के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं? इन्वॉल्वमेंट तो जैसे घर के काम ही बहुत है, मेड्स नहीं आ रही हैं, जैसे आपको पता है लॉकडाउन पूरा है तो घर के काम से फ्री होते हैं, तो दोपहर के टाइम तक आफ्टर लंच बेसिकली हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो बच्चों के साथ एंजॉय, जैसे हम कैरम खेल रहे हैं, अब कार्ड्स खेल लेते हैं जैसे हो गई बच्चों के साथ, लूडो हो गया, ऑनलाइन लूडो भी है फ्रेंड्स के साथ, वो भी खेल लेते हैं। मोर ओवर फिजिकल एक्टिविटीज भी इतनी हो जाती है कि जिम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद ही मेंटेन हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी की आपने बात की तो आप जिम पर लवर हमें लग रहे हैं देखने से, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। घर में रह के कैसे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं? योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, जो अपना एक शेड्यूल है इवनिंग का वो तो हमने रखा ही, मैंने अपना रखा हुआ है, जैसे वो एक फिक्स आज होते हैं उस टाइम में होता है या कुछ किया जाए, ये तो अपना अपने सेल्फ टाइमिंग्स हैं। तो आई प्रेफर कि मैं योगा करूँ, ऑनलाइन योगा क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं, वर्चुअल क्लासेस भी चल रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि घंटा ना करके 20-25 मिनट्स की जरूर कुछ ना कुछ की जाए एक्टिविटी की, मेंटेन आ जाए ये ना लॉकडाउन के बाद हम खुद ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आपने स्टार्टिंग में कहा मेड्स नहीं आ रही, तो अब सारे घर का काम खुद करना पड़ रहा है, तो कैसी एक फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि कहाँ फंस गए हम लोग? नहीं, खुद तो नहीं करना पड़ रहा, फुल हस्बैंड से करवा रहे हो, फुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। इससे पता चलता है कि हमारी कितनी बॉन्डिंग है एक्स के साथ, तो मिल बैठ के सब काम हो रहे हैं, खाना भी बन रहा है, सब कुछ इजीली इजी गो चल रहा है। शुरू में तो प्रॉब्लम हुई थी बट अब ये लगता है रूटीन होगी, ऑलमोस्ट 21 डेज हो रहे हैं और जैसे एक्सटेंशन और बढ़ गई है तो आराम से लगता है पक्के मेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस फैमिली मेंबर, एक और फैमिली मेंबर से। हेलो, हाउ आर यू? तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल सी फैमिली मेंबर्स को? तो आप देख रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ कैरम खेल रहे हैं, और क्या क्या करते हैं आप? ठीक है, वही एज यूजुअल जो एक रूटीन रहता है और प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवनिंग का हो गया, बट थोड़ा सा एक पहले एक सिस्टमेटिकली चलता, अब थोड़ा सा जैसे हस्बैंड और बच्चे घर होते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद फरमाइश, ये बना लो वो बना लो, ये सब चलता रहता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट का टाइम पहले मिलता था बट अब तो वो भी नहीं शायद मिल पाता, बट फिर भी चलो सब मिल के एकदम से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को भी, हस्बैंड है वो भी थोड़ा हेल्प साथ में कर लेते हैं। जैसे आपने बताया फरमाइशें, तो फरमाइशों के बाद में डिशेस बनानी पड़ती हैं, पकवान बनाने पड़ते हैं, तो अकेले ही आप काम करते हैं या आपके हस्बैंड आपके हेल्पिंग हैंड है, क्या करते हैं वो भी प्लीज़ आप मेंशन कीजिए।
हाँ श्योर कि वो करते हैं साथ में हेल्प, अगर कुछ भी बनाना है तो साथ में उनकी भी रहती है हेल्प की, चलो अगर हमने कुछ तो वेजिटेबल्स काट देते हैं तो हम लोग साथ में बना लेते हैं मिलके, ऐसे चलता रहता है। बच्चा है तो उसकी फरमाइश, कभी ये चाहिए कभी पिज़्ज़ा चाहिए, तो जैसे भी है हम लोग घर पे मैनेज करके बच्चों को दे रहे हैं या कुछ भी। साथ में एक्टिविटी भी हो जाती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड अच्छा हो रहा है। शाम के टाइम हस्बैंड है उनके साथ खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया और लूडो वगैरह कैरम जैसे भी है अपना, सेम एज इट इज़ बच्चों के साथ अपना कार्ड्स खेल लिए और ये सब चलता रहता है। अपना हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जो लेडीज़ होती हैं वो तो किट्टी लवर्स होती हैं, बट अब इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम किट्टीज बंद हो चुकी है, आप सब बाउंड, हम सब ही बाउंड हो चुके हैं, तो कितना मिस करते हैं आप अपनी किट्टी पार्टीज को? ये तो है ही, काफ़ी मिस कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग, जो एक फ्रेंड्स के साथ मिलना और ये सब था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जस्ट एक अब फ़ोन पे ही रह गया कि अब जस्ट फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर ली और बस ऐसे ही चल रहा है अपना। अभी देखते हो ये ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे या कुछ इंजॉय करेंगे अपनी किट्टी। गुड, तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक और फैमिली मेम्बर से। हेलो, बड़े स्वीट लग रहे हैं आप, कैसे हैं आप? I'm fine. आप बताइए कि एक चीज, चलो हमें ये बता दीजिए कि अब जैसे हस्बैंड सभी के घर पे हैं तो आप इस चीज को किस वे में लेते हैं? जैसे हम पहले कहते थे ना हस्बैंड हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक हेडेक है आपके लिए कि 24 घंटे कभी कभी तू तू मैं भी हो जाती होगी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि हेडेक है, क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी है कि फैमिली हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है जी। और सेकंड थिंग आ गई है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो अपने कह रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड है, इस पीरियड में हम और ज़्यादा एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता था पहले कि वो वर्क पे चले गए हम घर पे होते थे, तो वो बातें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो ख़त्म होती जा रही थी, अब वो चीज़ें फिर दोबारा रिन्यू हो रही हैं, जो हम लोग आफ्टर मैरिज फील कर रहे थे वही वाली फीलिंग दोबारा आ रही है, मतलब लव बर्ड्स बनते जा रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, लव बर्ड्स बनते जाना है। कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या चिट चैट में टाइम स्पेंड हो जाता है? बस इसी में निकल जाता है, पहले फैमिली, फिर खाना, लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद अपना मी टाइम होता है, मी टाइम में कुछ बात कर ली या कुछ डिस्कशन हो गई। सो बिजनेस अपना है तो बिजनेस में थोड़ी कुछ एक दूसरे के साथ गॉसिप हो गई या मतलब उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ हो गया, मतलब कुछ सोचने का टाइम मिल गया, नहीं तो लाइफ दौड़ती चली जा रही थी, चला जा रहा था कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले वो कर ले, किसी ने बोल दिया वो कर लिया, किसी ने बोल दिया वो कर लिया, माइंड में जो आ गया अब एक्चुअल में उसको समझने का टाइम आया, तो वो समझ रहे हैं उस चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स को कितना मिस कर? मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, अपने अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, अब ये टाइम, ये भी मेरा बच्चा है, मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ, इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी मेरा टाइम चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मम्मा के साथ वीडियो कॉल कर लेती हूँ, उसी से बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब ये छोटे छोटे से जो किड्स हैं वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं टीवी देखकर। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसे टाइम स्पेंड करते हो, मम्मा पापा को तंग करते हो या टीवी देखते हो, गेम्स खेलते हो? शाम को तो हम गेम्स वगैरह खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन प्ले कर लिया, क्रिकेट खेल लिया, वैसे हम टीवी या पढ़ लेते हैं कभी कभार, जैसे होमवर्क हमें सेंड होता है तो इसी में दिन निकल जाता है अपने आप ही। आप कुछ बोलोगे, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, टीवी देखते? आपने देखा ये थे हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली, उनके किड्स, तो आपने देखा कैसे वो अपना ये क्वारंटाइन पीरियड जो है कैसे वो स्पेंड कर रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड वाइफ किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो अब लव बर्ड्स बन चुके हैं। बहुत अच्छा सा मैसेज हमें मिला इस ब्यूटीफुल सी फैमिली की तरफ से, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, हमने भी शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। अब हम प्रे करते हैं कि ये COVID-19 जैसी डेडली डिजीज जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड से अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर सके, ताकि फिर से वो ब्यूटीफुल सी लाइफ वापस आ सके। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।